में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे अशोक गहलोत, अभी फिर से भी वो मुख्यमंत्री है, वो पहले जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने भी शरणार्थियों के प्रति हमदर्दी के लिए बातें कही थी। वो तो सरकार से मांग करते थे। ये मैं गहलोत, जो कांग्रेस के यहां पर बड़े प्रिय नेता हैं, यहां एक परिवार के, और पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, और पहले जब मुख्यमंत्री थे तब वो मांग करते थे कि जो हिंदू या सिख पाकिस्तान से भागकर यहां आए हैं उनकी स्थिति सुधारी जाए। लेकिन ये रातों रात बदल गए, वोट बैंक का खतरा लगने लगा, वो सारी हमदर्दी। मैं हैरान हूं, आज उनके पेट का दर्द बन गई है। जो कल तक हमदर्दी थी वो खुद के लिए दर्द क्यों बन गई? भारत की संसद ने, लोकसभा और राज्यसभा ने आपके उज्जवल भविष्य के लिए, दलित पीड़ित शोषितों के भविष्य के लिए, लोकसभा राज्यसभा ने, सभी सांसदों ने इस बिल को पास करने में मदद की है। आप खड़े होकर देश की संसद का सम्मान कीजिए, देश की पार्लियामेंट का सम्मान कीजिए, देश की लोकसभा का सम्मान कीजिए, देश की राज्यसभा का सम्मान कीजिए। देश की जनता ने चुने हुए हमारे सांसदों का सम्मान कीजिए, पूरी ताकत से सम्मान कीजिए। दोस्तों, साथियों, मैं भी आपके साथ जुड़ करके देश के दोनों सर्वोच्च सदन, लोकतंत्र के मंदिर, वहां बैठे हुए जनप्रतिनिधि, मैं आपके साथ, मैं भी उनको प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। साथियों, इन लोगों ने दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों को अराजकता और डर के माहौल में धकेलने की नापाक कोशिश की है, साजिश की है। जिस तरह बच्चों की स्कूलों पर हमले हुए, यात्री बसों पर, ट्रेनों पर हमले किए गए हैं, लोगों की गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, साइकिल को, छोटी छोटी दुकानों को जलाया गया है, भारत के ईमानदार टैक्सपेयर का पैसा, उससे बनी सरकारी संपत्ति, उसे आग में खाक कर दिया गया है, उसे नुकसान पहुंचाया गया है। इनकी राजनीति कैसी है, इनके इरादे कैसे हैं, यह देश भली भांति समझ चुका है।